राजू दास जी ने बड़े सीधे सवाल उठाए कि कांग्रेस ने बार बार राम मंदिर के राह में रोड़े अटकाए, ये उनका सीधा आरोप है। हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत है रागिनी, आप क्या कहेंगी? दीपक जी, आज बहुत ही हर्षोल्लास का समय है भारतवासियों के लिए, इसीलिए अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी राम स्तुति के जरिए मैं करना चाहती हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज मुख कंजारुणम। दीपक जी देखिए, हम तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जो पाए। हमारे देश के कण कण में राम व्याप्त है, और सिया राम तो मैं समझती हूँ कि किसी भी सीमा, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन से परे। आज का दिन मुझे विवाद, राग द्वेष, विरोध का नहीं लगता, परंतु कुछ सवाल मुझसे पूछे गए हैं तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। तो दीपक जी, बहुत सारे नाम मैं भी गिना सकती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्हीं के सांसद, उन्होंने भी ये वक्तव्य दिया और कहा कि मोदी जी को कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए, राम मंदिर बनाने में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अगर कोई किसी को श्रेय मिलता है तो वो राजीव जी को मिलना चाहिए। और हमारे दुबे भाई साहब, मेरा भी जन्मस्थल जबलपुर ही है, मैं उनको भी थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि शिलान्यास कहाँ से हुआ, कि शुरुआत कहाँ से हुई। और हमने कभी ये नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दस्तावेज दिया, उस दस्तावेज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जारी करने वालों के खिलाफ काम भी सरकार तो आपकी थी ना, एसआई बिना आपको दिखाए, बिना अटॉर्नी जनरल को दिखाए, बिना सॉलिसिटर जनरल को दिखाए, कोई भी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दे सकती थी कांग्रेस की सरकार में, इस बात का जवाब दे दीजिए। आप तो इतनी समझदार और पढ़ी लिखी है, एसआई अगर कोई सर्टिफिकेट, एसआई कोई एफिडेविट दे रहा है, सरकार को नहीं पता हो, ये कैसे हो सकता है रागिनी जी? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये किस लिए होते हैं सरकार में? और आपके पास तो एक दर्जन बड़े बड़े लॉयर थे उस टाइम, कपिल सिब्बल से लेकर सलमान खुर्शीद तक। आज देखिए, मुझे लगता है आज बहुत तैश में आके बातचीत ना की जाए, आज जरा खुशनुमा माहौल में बातचीत की जाए। आज सच में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और मोदी सरकार की तरह हमारी सरकार जब थी तो अधिनायकवादी राजनीति करके सारी स्वायत्त संस्थाओं को अपने कब्जे में नहीं रखी। ये नहीं समझ रही, लेकिन बिना लॉ मिनिस्ट्री के वे किए, अरे मुझे बोल, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया ही नहीं जा सकता, आप भी इस फैक्ट को जानती हैं। दीपक जी मुझे पूरा तो करने दीजिए, मैं कह रही हूँ कि वो दस्तावेज पूरा करिए, एक मिनट लीजिए। हाँ, हमने उसे दुरुस्त भी किया, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए, के शर्मा जी आज बैठे हैं, वो जवाब देंगे इस बात का कि भाई जब प्रभात झा जी ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, दिल्ली के प्रभारी भी रहे हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर पूछा कि क्या सीतामढ़ी में सीता जी के जन्म के अस्तित्व है, प्रमाण है, तो महेश शर्मा जी जो संस्कृति मंत्री थे उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन क्या आज ये सीताराम के प्रमाण ढूंढने का दिन है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं, आपने अपनी बात पूरी की, के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी थोड़ा वक्त के जी को भी दे दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए, आरोप के बदले आरोप अब आप पे भी लग रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, और यही रागिनी नायक जी मेरे साथ टीवी डिबेट में बैठी थी, और इन्होंने झूठ बोला वहां पर, इन्होंने उस दिन शब्द का उपयोग किया था कि काल्पनिक शब्द का। मैंने इनको महेश शर्मा जी का जवाब दिखाया, आप बगल में हम दो थे, और झूठ के लिए अंत में इनको माफी मांगनी पड़ी थी इसी रागिनी नायक को, इसी रागिनी नायक जी को अपनी बात पलटनी पड़ी थी उस समय। तो मैं आज ये बता दूं कि रागिनी जी ये झूठ फिर से न फैलाएं। रागिनी जी को मैंने पूरा महेश शर्मा जी का, और आप भी कहेंगे तो मैं जवाब सबसे पहले तो मैं दीपक जी बधाई दूंगा। चलिए इस बहस को आगे ले जाएंगे, के शर्मा जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास फैक्ट से तो आप बिल्कुल बोलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास फैक्ट से तो रागिनी के सामने रख दीजिए आप। नहीं नहीं, मैंने इनके सामने रखा हुआ, क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, और मैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको, और इनको वापस लेना पड़ा था सर उस डिबेट के अंदर में, और हम अगल बगल ही बैठ के डिबेट कर रहे थे उस समय भी, याद इनको होना चाहिए। और मैं चैनल का नाम भी बता दूंगा, और ये भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। आज विषय दूसरा है दीपक जी,
दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, इनको बंद कराइए, इनकी बंद कराइए। रागिनी जी प्लीज, आपको वक्त मिला, के जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। रागिनी जी आपको भी वक्त मिलेगा, अभी डिबेट में काफी समय बाकी है, चिंता मत करिए, सबको फेयरली टाइम मिलेगा। मैं इसलिए आपको दीपक जी आज कह रहा हूँ, देखिए आपको पहले बधाई देता हूँ कि आप अयोध्या की उस नगरी पे खड़े हैं, आप उस पे मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उस दिन देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात की, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात की और झूठ बोल दिया है कि शिलान्यास राजीव गांधी ने कराया, शिलान्यास राजीव गांधी जी ने नहीं कराया। ये आप भी संत बैठे हैं, पूछिए इनसे, ये झूठ बोलते हैं कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। राजीव वहां के कोर्ट के आदेश पर ताले खुले हैं, लेकिन आज कांग्रेस के मुंह में जो काली कुत्ती है भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर आज ये मुंह धोने के लिए उससे इस तरह का अभी अपना ये गान ये जो है भजन गा रही थी बैठ के, क्योंकि अब इनके सामने रास्ता नहीं है। ये क्या मूल है कि देश के हिंदू जनता के समक्ष जाएंगी? ये कांग्रेसी जिन्होंने इस देश के अंदर में भारत के जो है मर्यादा